हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। बच्चों, अब तो बोर्ड काफ़ी पास हो गया है, केमिस्ट्री काफ़ी पास आ गया है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज के दिन के काउंट करो, टुडे इज 3rd मई, 3rd, 4th एंड 5th। तो हम इस 3 दिनों में ऐसा क्या करें कि पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए और स्कोर भी अच्छे आ जाए। तो बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए हैं, प्लीज़ इसको देखिए और समझिए, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, आपको पूरा पूरा फ़ायदा होने वाला है। करना क्या है, केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी टर्म 2, टू फ्रॉम ओल्ड नोट्स और ओल्ड मेंटर। मतलब आपको कुछ नया नहीं करना है, जो आपके पास पुराने नोट्स हैं उसी से बार बार आपको रेफ़र करना है, रिवाइज करना है। पुराने कोई टीचर हो, मेंटर हो, तो उन्हीं से आप हेल्प लो, क्योंकि उनको आप जानते हो, उनके लैंग्वेज को आप समझते हो, तो ये अच्छी बात है कि आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट। आप कुछ नया चीज़ मत सोचो, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी, टाइम नहीं है, टाइम ख़राब करने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। स्टिक टू सिलेबस क्वेश्चंस ओनली। आप कुछ ऐसी बातें हैं जो 2022 एग्ज़ाम में सिलेबस में नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हट चुका है लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं, वो फ्लो में सब कुछ करते जा रहे हैं, तो आपको सिलेबस का थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो 3 पॉइंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको ध्यान ये रखना है कि रिटेन वर्क आपको करना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो नोबल की तरह पढ़ते हैं बुक लेके, ऐसे अब उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख नहीं पाओगे। आपको लगता है मैं देख लिया आप तो लिख दूंगा, लेकिन जब लिखने जाओगे तो आप नहीं लिख पाओगे, आप भूल चुके होगे। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, पक्का करने के लिए आप लिख लिख के काम करोगे। ये आपको पूरी गारंटी देगा, जब आप लिख लोगे ना तो ये गारंटीड होता है कि आपको आ चुका है। और रैंडम अपने आप को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिख रहे हो टॉलरेंस टेस्ट, क्या आपके दिमाग में आया, उसको लिख के देखो पूरा रिएक्शन, क्या आप लिख पाते हो। ठीक, कोई भी रिएक्शन आप ले लो, कार्बिलेमिन रिएक्शन ले लो, रोजनमन रिएक्शन ले लो, क्या उसको आप लिख पाते हो, अल्डोल ले लो, कैनिजारो ले लो, लिख पा रहे हो यानी कि आपको याद है, नहीं लिख पा रहे हो यानी कि आपको रिविज़न की फिर से ज़रूरत है। तो रिटर्न वर्क काफ़ी मैटर करता है। दूसरा है ग्राफ, ग्राफ भी आपको आने चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में कुछ ग्राफ्स होते हैं, वो आप ध्यान से देख लिया करो। सरफेस केमिस्ट्री में भी ग्राफ है, वो आप देख लिया करो। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में भी एक दो ग्राफ है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ग्राफ को इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ग्राफ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। डेली आपको 2 टेस्ट पेपर्स करने हैं, जैसे आप 3rd में है ना, 3rd, 4th, 5th, डेली अगर 2 पेपर कर लेते हो तो 6 पेपर हो जाते हैं। ये आपको काफ़ी एज देगा और आपकी प्रैक्टिस को काफ़ी एग्ज़ाम के पास ले जाएगा। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप पूरी केमिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग आप पार्टिकुलर मेंटर को पकड़ सकते हो, किसी टीचर को बता सकते हो, सर मेरा इनऑर्गेनिक वीक है या सर मेरा ऑर्गेनिक वीक है, तो आप उस पर तुरंत तुरंत काम कर सकते हो। ठीक है, ताकि अपने वीकनेसेस को दूर कर पाओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में अभी भी दिक्कत हो रही है, तो आपको डेली कन्वर्जेंस जो रिएक्शंस होते हैं ना, आपको डेली करने पड़ेंगे 2 घंटे डेली, तो कन्वर्जन में आपको मास्टरी हो जाएगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। नेम रिएक्शन एंड टेस्ट 2 घंटे आपको डेली करने, क्योंकि नेम रिएक्शन एंड टेस्ट तो श्योर शॉट है, आने ही आने हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस भी आना ही आना है, श्योर शॉट होता है। तो ये सब जो सेक्शंस है ना, ये श्योर शॉट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आना ही आना है। फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स आने आने हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है, PYQs करने हैं। ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। इनऑर्गेनिक में क्या है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो आपको ध्यान में देखना है कि सरफेस केमिस्ट्री में कौन सा ग्राफ है, कौन सा थ्योरम है, कौन सा थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना पड़ेगा आपको, है ना। डी ब्लॉक, ए ब्लॉक आपको देखना पड़ेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें से आते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और नोमेनक्लेचर भी है, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। और पेपर तो मैं कह ही रहा हूँ कि आप 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, एक सुबह में पेपर लिख लिया करो, उससे क्या होता है कि पूरा पेपर में जो वीकनेस है वो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये सेक्शन मेरा वीक है, इस पर मुझे काम करना चाहिए। दिन भर आप क्या करो कि उस वीक वाले सेक्शंस पे काम करो, ताकि वो सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाए। फिर से इवनिंग को एक पेपर दो, पेपर नंबर 2, यानी कि फुल लेंथ पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे दिन भर मैंने पढ़ाई करी है, तो पेपर जो दूसरा शाम को दे रहे हो उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है आपको।
ठीक है, उससे आपको अपनी मेजरमेंट आपके लिए हो जाएगा कि आप कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप में आ रहा है। यही काम दूसरे दिन भी करना है, सुबह एक पेपर दो और पूरे दिन भर आप कोशिश करो अपनी वीकनेसेस को दूर कर लो, लिख करके या फिर अपने नोट्स से या फिर वीडियोस से या फिर टीचर से बात करके या जहाँ भी आप पढ़ने जाते हो वहाँ पर बात करके अपनी वीकनेसेस को दूर करो, है ना। और नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन जहाँ भी आप जुड़े हुए हो उस प्लेटफॉर्म पर उस टीचर्स को आप बार बार अपने डाउट्स भेजो एंड उसको और टीचर से हेल्प मांगो। कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। आप यहाँ कंबाइन देख सकते हो 2, 2, 4, 6, 8 एंड 4 टोटल 12 आवर्स हैं। तो अभी के टाइम में आपको टोटल 12 आवर्स दिन भर में डिवोट करने पड़ेंगे बेटे, 6 से 6 कह लो, सुबह 6 से लेकर शाम 6 तक या फिर सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक आपको लगे रहना पड़ेगा एनर्जी पूरा एनर्जी के साथ। 3 दिन बचे हैं तो आप 3 दिन में आपको पूरा आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, उतनी भी चिंता की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो गुड लक, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प।